फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन इन दैट लाका अमला 4000 हो जितो है तो कर गा ओके लोग आओ हु माने तो अर्बन डेवलपमेंट लोग एससीआई वर्जन 2000 हो जितो थैंक यू धन्यवाद इधर नो आया ला ला तो का इधर थैंक यू बहुत दोनास थैंक यू ये आलो न्यूज और जितने व्यूअर्स हैं सबको नमस्कार। हम लोग ये जो आलो टाउन पब्लिक वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सोसाइटी हम लोग शॉर्ट में ATPWDS बोलते हैं, इसका शुरुआत का कहानी ऐसा है। शुरुआत में ऐसा था, आलो टू बाम जो रास्ता है वो 5-6 साल से बहुत ख़राब हालत में पड़ा हुआ था। तो एक दिन मैं दरका बस्ती गया है, तो दरका बस्ती पहुंचने में मेरे को करीब करीब 1 घंटा जैसा लगा, रास्ता इतना ख़राब। तो वहाँ से वापस आके मैंने सोचा रास्ता इतना ख़राब हो रहा है, आलो का आदमी लोग या वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का आदमी लोग क्या कर रहा है, कोई क्यों कुछ नहीं बोल रहा है। तो इसलिए मैंने एक बार गुमिन कीन में आलो टाउन का जितना सीनियर सिटीजन है, जितने सोशल वर्कर है, जितने मैंने अच्छे लोग हैं या टाउन का जितना NGOs है उन लोग का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी है या PRI मेंबर्स है, सब को एक बार मीटिंग बुलाया उधर में गुमिन कीन में। तो उन लोगों को हम बताया ये रास्ता तो बहुत हालत ख़राब है, इसको हम लोग कोई कुछ नहीं बोल रहा, ऐसे कैसे होगा, बोलना चाहिए बोला है। तो उस टाइम में सब बोला अरे ये बात तो एकदम सही बात है, 5-6 साल से, क्योंकि ये आलो तो बाम रोड का कहानी ऐसा हो गया, ये एक समय है BRTF का था, लेकिन 2010-11 ऐसे में ये रोड जो है ट्रांस हाईवे डिपार्टमेंट में इसको ट्रांसफ़र कर दिया, जिसका वजह से ग्रेप इसको मेंटेनेंस करना छोड़ दिया और ट्रांस अरुणाचल हाईवे जो है वो तो नया नया बनाया है, उन लोग का पास कुछ नहीं है, ऐसे पड़ा हुआ था या सेंक्शन भी नहीं किया, जिसके वजह से यहाँ का रोड बहुत ख़राब हो गया था। तो हम लोग उस दिन मीटिंग किया गुमिन कीन में, सब ने बोला नहीं इसको लेके हम लोग सरकार से बात करना है, फाइट करना है, ऐसे बोल के उसी समय में बहुत लोग हम लोग का ये जितना दोस्त थे या उस समय में जो लोग आए थे सभी ने कोई 1000 कोई 500 कोई 2000 कोई 3000 करके फंड उठाया, इसका मूवमेंट शुरू करना है। और साथ साथ में हाईवे मॉनिटरिंग टीम बोल के कमिटी बोल के हम लोग एक कमिटी बनाया था। शुरुआत एक्चुअली हम लोग हाईवे मॉनिटरिंग कमिटी ऐसा एक कमिटी हम लोग बनाया था, बना करके हमने हाईवे को लेके आलो तो बाम हाईवे को लेके हम लोग फाइट करने लगा। तो एक बार हम लोग ने ये भी किया, बंद कॉल किया, मई महीना ऐसा था, बंद कॉल किया तो सरकार हम लोग को बुलाया ईटानगर में बातचीत के लिए। तो हम लोग वहाँ में उस ये हमारा डिप्टी CM चौना मेन साहब उनका वहाँ में हम लोग मीटिंग किया, और उसमें मीटिंग करने के बाद वो उन लोगों ने हम लोग को 1 करोड़ दिया कि आलो तो बाम पर्सन को आप लोग मेंटेनेंस करा लो बोल के 1 करोड़ दिया था। लेकिन वो 1 करोड़ से तो कोई खास अच्छा मेंटेनेंस नहीं हो सकता, फिर भी थोड़ा बहुत किया, लेकिन बारिश से वो धो गया।
तो उस समय में हम लोग को उस समय का PWD मिनिस्टर गोजन गदी साहब, उनको भी हम याद करना चाहता हूँ। ही हेल्प्ड अस अ लॉट। उन्होंने हमको वहाँ का जितना होटल में रहने का खर्चा उर्चा वो दिया, और खुद अपना घर में हम लोग को डिनर भी दिया। और एक बात मैं एकदम मेंशन करना चाहता हूँ कि उस समय का हमारा माननीय मुख्यमंत्री काली कपूर साहब, उन्होंने हम लोग को 10 लाख रुपया दिया, और वो 10 लाख का वजह से ही हम लोग आज तक जिंदा है। नहीं तो हमारे पास उतना फंड कहाँ होगा। लोग बहुत लोग हम लोग को डोनेशन दे रहा है, ऐसा है बात नहीं है, देता है, देने से भी एट ए टाइम तो इतना रुपया नहीं आता है। लेकिन काली का पुल का वजह से मैं इसलिए उनको जानबूझ के उनका नाम उनको याद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हम लोग का इस चीज़ को माने मजबूती देने में बहुत मदद किया। तो उस समय में जब व्हाट्सएप, आजकल तो व्हाट्सएप का ज़माना है, आलो टाउन का लोग ऐसा कमेंट करने लग गया, आलो में तो इतना प्रॉब्लम है, खाली हाईवे को ही बोलेगा क्या, ऐसा बोलने लगे। पानी का प्रॉब्लम है, बिजली का प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल का प्रॉब्लम है, एजुकेशन का प्रॉब्लम है, तरह तरह का आलो में प्रॉब्लम है, इन लोगों को भी तो बोलना चाहिए, सिर्फ हाईवे को बोलने से कैसे होगा, ऐसा कमेंट आने लग गया। तब तो हम लोग ईटानगर में बैठ के डिस्कस किया, तब तो हम लोग क्या कर रहे हैं। तो यह हमारा उस ये अभी आए नहीं है हमारा आदव साहब एक्स मिनिस्टर, उन्होंने ये सजेशन दिया कि तब तो एक नया एक हम लोग सोसाइटी बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जिससे कि हम लोग सब काम कर सकते हैं, क्योंकि हाईवे मॉनिटरिंग कमेटी ऐसा नाम दे करके उसके अंदर में अलग काम करना तो उतना मिलता नहीं है। इसलिए हम लोग ने इसको नाम को बदल के आलो टाउन पब्लिक वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सोसाइटी, मतलब उसको करने के लिए हम लोग ईटानगर से ये डिसीजन लेके आया। आलो में हम लोग वापस जा करके आलो का जितना सीनियर सिटीजन है और जितना NGOs है, जितना आलो टाउन का सेक्टर कमिटीज है, जितना आलो टाउन का मार्केट कमिटी है, उन सब को अथॉरिटीज लोग को बुला करके मीटिंग करना है और कैसे इसका एक आलो टाउन का सब कुछ प्रॉब्लम को लेकर के माने देखभाल कर सकने वाला या सरकार को बात कर सकने वाला, प्रेशर दे सकने वाला, ऐसा क्या एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना है। पूछताछ करने के लिए हम लोग एक मीटिंग रखा था आलो क्लब में। अभी आलो क्लब तो अभी ख़राब हो गया, फिर उस समय में हम लोग उसमें मीटिंग किया, उसमें सभी ने पास किया कि नहीं हम लोग एक आलो टाउन के लिए एक कुछ सोसाइटी, अच्छा तगड़ा वाला सोसाइटी बनाना है बोल के। तब तो हम लोग उसी दिन, वो था जून महीने का 29 तारीख, आज का दिन 2000 वो हो गया था। और एक्चुअली वो इस बीच में हम लोग बीच में गैप हो गया, तो 2016 आ गया था। 2016 का ये जून महीना का 29 को मीटिंग करके इसको हम लोग आलो टाउन पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी नाम हम लोग रखा था, और उसमें मुझे चेयरमैन बनाया, कृदोत जी है उनको सेक्रेटरी जनरल बनाया, और दो यादव साहब को चीफ एडवाइजर बनाया, ये हमारा ये दोली लोलिन साहब है इनको डेप्यूटी चेयरमैन बनाया, देवा लोया को डेप्यूटी चेयरमैन बनाया, मिसेस हेगम को डेप्यूटी चेयरमैन बनाया, ये हमारा एडवोकेट मिंदिक नोसी है इनको ट्रेजरर बनाया, और जितने आलो टाउन का और वो आपका कार्सन लोलेन को हम लोग सोशल सर्विस सेक्रेटरी बनाया, फिर वो केमम बागरा को मीडिया स्पोक्स पर्सन बनाया, और मेदा लोना को चीफ ऑडिटर बनाया। ऐसे बहुत कुछ हम लोग, सबका नाम अभी पूरा हमको याद नहीं आ रहा है। उसके बाद और ये गेदो का तो वो डेप्यूटी चेयरमैन बनाया उनको, उसके बाद बाकी जितने हमारा सीनियर सिटीजन है सबको हम लोग एडवाइजर बनाए। ऐसे करके हम लोग काम को शुरू किया है 2016 का 29 जून में। तो उस समय से लेके आज हम लोग का 5 साल पूरा हो गया, और
2016 में जो हम लोग फॉर्मेशन किया था, फाउंडेशन किया था, उसको लेके आज हम लोग का 6th फाउंडेशन डे है, हम लोग आज सेलिब्रेट कर रहा है। और इस दौरान 5 साल का दौरान हमने बहुत काम किया। फॉर एग्जांपल हमने वो पहले भी बताया, वहाँ इटानगर जा कर के डिप्टी सीएम का वहाँ जा कर मीटिंग किया, चीफ मिनिस्टर में को जा कर बात किया, सीएम को भी हम लोग मिला था। उस समय में डिप्टी सीएम और सीएम मिल के आलोतो बाम पोर्शन को मेंटेनेंस करने के लिए, तो आलोतो बाम तक जो बहुत ख़राब पोर्शन है उसको मेंटेनेंस करने के लिए 1 करोड़ उन लोग पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को दिया मेंटेनेंस करा लो बोल के हम लोग जब गया था। तो इसमें वो 1 करोड़ जो है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का तरफ से इसको एग्जीक्यूट किया काम को, और उसमें एक कॉन्ट्रेक्टर है, नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, उन लोग किया है, कुछ कुछ कॉन्ट्रेक्टर लोग हैं उन लोग किया है। लेकिन दुख की बात यह है 1 करोड़ रुपया भी गायब हो गया जैसे ही हुआ, क्योंकि वैसे तो 1 करोड़ कम रकम जो है वो कम है, मेंटेनेंस अच्छा से कर ही नहीं सकता 1 करोड़ से। तो हम लोग पूरा बैठ के फिर मीटिंग किया, तो इसका कोई उपाय नहीं है, क्योंकि इस बीच में हमने सरकार से बात किया, कॉन्सर्न डिपार्टमेंट से बात किया, एडमिनिस्ट्रेशन से बात किया, क्या क्या कितना क्या, मतलब उसको बोलने जाएगा तो बहुत लंबा सारा कहानी, बहुत कुछ बात है उसमें, किसका वजह क्या हुआ क्या कारण है, बहुत कुछ बात है। लेकिन आखिरी में हम लोग सोचा इसका सोल्यूशन तो एक ही उपाय है कि हम लोग डायरेक्ट प्रधानमंत्री को पकड़ लें। इसलिए हम लोगों ने प्रधानमंत्री का उदाहरण में जब ईटानगर में आया था, हम लोग धरना देने गया। जब धरना देने गया है तो अरुणाचल गवर्नमेंट हिल गया, बोला नहीं नहीं आप लोग आ रहे प्रधानमंत्री जी आ रहे, आप धरना मत दीजिए, आपका क्या प्रॉब्लम है हम लोग सुनेगा। तो प्रधानमंत्री जी 15 तारीख को आने वाला था फरवरी महीना का, हम लोग को फरवरी के 14 को चीफ मिनिस्टर का चैम्बर में हम लोग को बुला करके मीटिंग किया, उसमें सीएम साहब थे, डिप्टी सीएम साहब थे, झारखंड ग्रामीण उस समय का हम लोग का ऑनरेबल मिनिस्टर वो था, कमिश्नर था, चीफ इंजीनियर था, हम लोग सब बैठ के बात किया, हम लोग डिमांड किया। हम लोग का रास्ता का ये हाल है कि आलो ना लिखावाली होके जा सकता है, ना पासीघाट होके जा सकता है, आलो ऐसे मुसीबत में हो गया, राशन पानी आना मुश्किल हो गया, हम लोग का जीना तकलीफ हो गया। ऐसे हालत में आज का ज़माने में किसी पब्लिक को गवर्नमेंट रखता है क्या, ऐसे कैसे होगा बोल के हम लोग उधर मीटिंग में बोला है। तो जो चीफ मिनिस्टर भी और डिप्टी सीएम भी और जहाँ वहाँ जो भी हमारे सरकारी अधिकारीगण जो मौजूद थे, उन्होंने सब हमारा दुख को समझा, कहा यही तो बात ठीक है। तो उन्होंने हम लोग को उसी समय ठीक है आप लोग 22 करोड़ ले जाओ, फिर रास्ता बनवाओ। तो इसलिए उस समय में भी हम लोग 22 करोड़ लाया था, ला के यहाँ से निगमोई से लेकर के नो बामे से लेके पंगिन तक मेंटेनेंस किया है। लेकिन वही है दुख का बात है कि हमारा जो वर्क एजेंसी होता है, जो भी डिपार्टमेंट होता है, काम को जितना अच्छा से करना चाहिए करता नहीं है, ठेकेदार और इंजीनियर मिल के काम को बर्बाद करते रहता है। 22 करोड़ का भी काम इतना सही से नहीं हुआ, लेकिन सरकार को तो हम मानता है सरकार ने दिया। ठीक उसी तरह एक बार चीफ मिनिस्टर साहब आलो आए थे, हम लोग एटीपी ने हमने भाषण दिया सीएम साहब को, आप आलो टाउन का जो इंटरनल रोड है, टाउन के अंदर में जो इंटरनल रोड है, आप उसको घूम के देखिए, आपको रोना आ जाएगा हालत देख करके, ऐसा बोला है। तो सीएम साहब बाद में बोला है ठीक है हम नहीं घूमेगा, फिर भी आपको हम फंड देगा, ऐसे बोल के वो ईटानगर जाके 15 करोड़ दिया, जिसके वजह से अभी आलो का बहुत पोर्शन को अभी सीसी पेमेंट बना के रखा हुआ है, जिसका वजह से आलो का अंदर का इंटरनेट रोड कुछ पोर्शन जो अभी सुधर गया। अभी अगर ये हाईवे बन जाएगा तो आलो टाउन का जो है कुछ देखने का लायक हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे हम लोग काम करते आया है, और ऐसे तो काम बहुत हम लोग किया है,
पूरे अभी समय याद भी नहीं है, लिख करके हमने लाया नहीं है, जो मेजर बात है आपको सुना दिया। उसके बाद हमने ये बाद में ये भी देखा है, हम लोग का आलो एरिया या वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में एक एक बहुत एक इम्पोर्टेंट बात है कि पब्लिक के लिए, हम सब के लिए, ये जो योमगो रिवर है, इधर ये जो दिखाई दे रहा है योमगो रिवर, इससे आलो आलो सिर्फ नहीं है, आलो एरिया, वेस्ट सियांग, इवन रुमगोंग एरिया, इवन बासर एरिया का जब भी कोई फंक्शन होता है, कुछ होता है, मछली का जरूरत पड़ता है, इस नदी से ही सब उठा के ले जाता है। लेकिन यहाँ में 5-6 साल से ये गिल नेट का उससे मैंने मतलब हम लोग मछुआ बोलता है, मछुआ रख करके हर बस्ती, काबू में मछुआ, बेने में मछुआ, वाक में मछुआ, काम्बा में मछुआ, फिर उधर बोंगे केरा कहिंग, फिर उधर लगुम जी एरिया और उधर तराक, ये सब जगह में मछुआ रख रख के मछली पकड़ता है, छोटा पकड़ता है, बड़ा पकड़ता है। हम लोग का नदी का पानी पूरा ख़त्म हो गया, और ये योमगो रिवर का नदी पानी ख़त्म होने का मछली ख़त्म होने का मतलब ये होता है, इनका जो भी ट्रिब्यूटरीज है, जो छोटा छोटा नदी है, सिपू नदी है, हु नदी है, सिरिक है, श्योम है, सिरित श्योम है, ये छोटा नदी है, वहाँ में भी पानी ख़त्म, मछली ख़त्म हो गया। इसलिए हम लोगों ने सोचा इसको फिश बैन लगाना है। हम लोग एक बार फिर गोमिन कीने में मीटिंग किया, वहाँ में गांव बुरा लोग को बुलाया, सब जितना गांव के इम्पोर्टेंट आदमी सबको बुलाया, हम लोग बात किया, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया पानी का, यमगोरी बार का नदी ख़त्म हो रहा है, और पानी का मछली जब ख़त्म होगा, मछली तो ख़त्म होता ही है, साथ में हम लोग का इकोनॉमिकल बैलेंस गड़बड़ा जाता है, हम लोग एटमोसफेयर एनवायरनमेंट ख़राब हो जाता है, मछली पानी का जो नदी जो है गंदा हो जाता है, और हम लोग के लिए अनहाइजीनिक हो जाता है, बीमारी निकलता है। इसीलिए इसको दूर करने के लिए हम लोग इसको फीस बैन करना ज़रूरी है बोल के हम लोग मीटिंग किया। उसमें मीटिंग में डीसी मैदान भी, जो सूची का मैदान है वो भी था, सब लोग था, हम लोग ने पूरा पास किया 3 साल के लिए बैन करें, मछुआ नहीं होगा। नंबर जो हम लोग का माँ पिताजी लोग पुराने ज़माने में जिस ढंग से मछली पकड़ता था उसको तो हम लोग मना नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल हिबोक और तकम गेकर और तपी और लुपुम हितोपानम ना, इस तरह का हम लोग का जो ट्रेडिशनल वाला है उसको मना नहीं करेगा। अभी का नया अनट्रेडिशनल ब्लास्टिंग और जनरेटर से पकड़ना, ब्लीचिंग से पकड़ना और तीर मार के पकड़ना, नेटिंग से पकड़ना, ये सब को बंद करना है बोल के हम लोग कारोबार शुरू किया है। और एटीपी डॉलर्स ने उसके लिए डीसी ने डिस्ट्रिक्ट ने एटीपी डॉलर्स की जिम्मेदारी फिर दिया, तब तो आप लोग का जिम्मेदारी है, आप लोग गांव-गांव में जाके अवेयरनेस करो, और जो जो गड़बड़ करेगा आप लोग पकड़ने का काम आप लोग करो, ऐसे हम लोग को जिम्मेदारी दिया। हम लोगों ने पूरा जितना आलो एरिया जो नदी किनारे में जितना भी गांव है सब में हम लोग पूरा घूम के सबको अवेयरनेस किया, और हर गांव में हम लोग एटीपीडीओस का यूनिट बना करके अभी जिसका वजह से अभी मछुआ बंद हो गया 2 साल से, बम ब्लास्टिंग भी कुछ हद तक कम है, लेकिन कहीं कहीं चोरी तो चल रहा है, उसको भी हम लोग पकड़ेगा, और बाकी जितना बंद हो गया तो जिसके वजह से हम लोग कवर मिल रहा है, देख रहा है हम लोग का नदी में पानी का जो मछली जो है कुछ तो नंबर बढ़ गया है, अच्छा हो रहा है, और एक दूसरा से ऐसे रखेगा तो मछली का जो है वो हम लोग का अच्छा हो जाएगा, और हम लोग का एनवायरनमेंट भी अच्छा आएगा, इकोनॉमिक बैलेंस भी ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक। डिप्टी चेयरमैन ट्रेजरर ऑफिस बेरर मैडम डामलिन ओके अलग अलग मैडम खान बहुत ऑफ थैंक्स है मधु इगे हिलो ताप लगे मेरा दोनों तीन को मधु है दूत्र मोदी आज नगर तमी मधु कजी आगम जाम जाते मेघो बीस नाग मैं जब
एजुकेशन को लेके और ड्रग्स को लेके, एनवायरनमेंट को लेके, सेक्रेटरी लोत लंगे का दीश नगर में कुमार के मीटिंग में डिस्कशन ये लाख उन्होंने मैके जी साथ में उनके सेलिब्रेशन में ही अत्रु को जी चेयरमैन से ज़्यादा महंगे का फाउंडेशन सेलिब्रेशन ही में उन अत्रु हिस्से ला मेन्यू सिंह कोविड मेन्यू सिंह कोविड बोलो टाउन बोलो सोसाइटी लगा बो एक दिन नियम नीति अग में मेन ये इतने गए उन हो अत्रु को सेलिब्रेशन इन के मोहल्ल मेन्यू सिंह उन हो तो ओके ही सिंह इधर एंड मैं मुंह गाजेंगे अब देव आरसीसीएन के जरिए आलो न्यूज़ के जरिए आप लोग को बताना चाहता है उन एसओपी कोविड एसओपी मेंटेन रखना आलो होगो लार्ज स्केल वो सेलिब्रेशन वीकेंड मो एंड मैं उसके बावजूद भी 45 जैसा इनविटेशन दिया था अतु वो ना कोविड है लो मधुर को ओके अतु वो ना एक एक लो मुनो ये दिन मधुर था एंड मैं उनके बाज वो डेडिकेटेड ना सीनियर आ नोकियोब दोगे लोई सर आदो सर लोना सर और कहेंगे पादु सर नुनु सर्विस से रिटायर्ड जरूर हुआ है लेकिन नुनु के एनर्जी है नुनु की स्टेमिना कौन है नुनु मेन में नुनु की स्टेमिना अभी रिटायर्ड नहीं हुआ है नुनु नुनु कौन में आप लोग हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है ठीक है तो अगर मैं तीन गवर्नमेंट सर्विस जीने वालों ये तीन लगे हिलो आलो पब्लिक लगा वो आलो का ये तू दू तू लगा वो आलो का एगो दूगो लगा वो नून इतनी ना मोमाई आई गए मोमाई से मिलेत नहीं गए हिलो लो वो हक पीट दू एंड मैं नून ने मैं कहता मिल दूँ ना ओके ये मैडम का भी समाज देरी कहते इतना मुन गए एटीपी तो बन गया इसका पॉलिसी प्रोग्राम में मुन माज वो ओलिक दू मैन्यू सिंह हादे मैन्यू सिंह हादू एंड मैं नून मैडम अत्र कुमदू ना नून अन्य कृत्य बंगु ना तुरु डाले भी का हिंदी गाना गई वो हिंदी का हम उसमें मन माज एक जा तुम ना ओके हिलो आलो न्यूज को लेन दू आलो न्यूज नो सिन एक जा अलरू दा ओके जा ही पोका पी मोदा आई एंड मैं पोका यक ना को मुग डालो पोका को दी पोका को नेम पा दे एंड मैं मोके यिंग ने ली एते गोंदे यिंग लो मुग अजिंग का तुम एक जा तुम ना तुनी तु तुम मुन मेंकी तमो तेकेन ना को नोके माजबो असिनोप के मेकिंग में नमे गुन तुरु दाले नमे माजबो तेकेन दाले मुइदा एंड मैं यिंग नमे के जा ओके दोलुगा दे येतर दुपाला निये मिल में ना मिल दो केंतो एत दोई आदो मुन्ये लीडरशिप दिना मुर्गे समय लो इको गेन ने मुन क्या क्या है एनेक सिंह को भी एंड मैं उन्हों क्या है ना नहीं किया है दैट इज नॉट आवर लुक आउट क्या भी होगा नहीं किया भी होगा ये गेल लो एक दिन पब्लिक सर्विस पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को इतने गए गवर्नमेंट दम सलाई लो पब्लिक सेवा लो ये ते कुन्ने गए और पब्लिक लाइफ लोग के रिटायर्ड अड्डा में गए हिलो मुन्ये मुन्ने जिस जाबो आलोगे एक दो गो लगा दो आलोगे वेलफेयर लगा दो सोशल सर्विस नुन्ये इन्हें के लिए दूं एंड मैं दो ही पॉलन को रिक्वेस्ट दूं यून को ना रिक्वेस्ट दूं हितुम जोनी मो कुम दूं मुन्ये अपने दूं तू इकेन लो आलू को बेमार हजार कोमो को माज को दुकेन लो दूं दूं पका लो ओके मुन्ये रिक्वेस्ट आ दूं ना ए वो तोरना मुंगु में एक काम भी का ही ओके अगना ऐसे वो मुन्गे मुझसे अभी एटीपी डब्ल्यूडीएस का बागदौर जो है मोक न्यू किरदो है ते मोक न्यू वो देवल हो या कब सिंधु गुना ना एंड में अंदर डे एबल लीडरशिप ऑफ केंटो है ते ही मुनु आलो पब्लिक लाकी कौन में किरदो है ते देवल हो या एटीपी डब्ल्यूडीएस का बागदौर का भी संभाल रहा है एंड में गुनुंग लगा ऐसे ना मागु में नुन्यम सिंह ये में गोना ओके हितुम जोड़ी है बेमार हजार कोमो बालबो दूम तो कालो मो कुम दूम ओका लास्ट हिलोगा ही सिंह कुछ मेन तो का लार्ज स्केल को इके मो लार्ज स्केल को इमोलो सिंह मुनु ही इत्रे ही माले वो सक्सेस था वो ऑर्गेनाइजिंग कमिटी के चेयरमैन ओक जब देवा लोया
ओके सेक्रेटरी ओके ट्रेजरर नुने मेकेजा माजबो अल्बो इपा लेकिन सिद्धर जीवन उसका थैंक यू।